आज हम आ गए हैं दिल्ली के पकवान फूड फेस्टिवल में। यस, हम किसी नॉर्मल शॉप पे नहीं आए हैं, यहाँ पर खूब सारे स्टॉल्स हैं और खूब सारी वैरायटी है खाने की। तो आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ इस फूड फेस्टिवल पर, और फिर मैं आपको बताऊंगी अपना रिव्यू कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या व्हाटएवर। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो ये व्लॉग। स्पेशल पिज्जा ऑमलेट जो कि द्वारका में है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने स्टॉल लगाया, तो हम ट्राई करते हैं कैसे है। इससे पहले मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाती हूँ। इस ऑमलेट को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाला जाता है खूब सारा बटर, एंड उसके बाद में ऐड किया जाता है अनियंस, टमेटोज, हरी मिर्ची एंड जिंजर, एंड देन इन सब चीजों को सॉटे करने के बाद में डाले जाते हैं एग्स। अब क्योंकि ये ब्रेड ऑमलेट है तो इसमें डाली जाती है ब्रेड, और उसके बाद में इसको दोनों साइड से अच्छे से सेका जाता है। और इस सुपर बटरी ऑमलेट को और भी ज़्यादा रिचनेस देने के लिए इसमें ऐड किया जाता है एक तड़का, और उसके बाद डाली जाती है खूब सारी क्रीम्स एंड अदर टॉपिंग्स लाइक मोर चीज़, लाइक पोमेग्रेनेट एट्सेट्रा। बेसिकली ये ऑमलेट एक पूरा कैलोरी बॉम्ब है एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर 2 to 3 पीपल। तो अभी आ गया है मेरा पिज्ज़ा ऑमलेट मेरे पास, जिसमें इतना सारा है, ये सब अनार है, अनियंस है, चीज़ है, क्रीम है। तो मैं ट्राई करती हूँ, मुझे ऐसे एकदम जायंट ऑमलेट लग रहा है, खाली ऑमलेट है, क्योंकि सिर्फ एक ऑमलेट आराम से 2-3 लोग खत्म कर सकते हैं। इसको 160 रुपीज, 160 रुपीज का। आपको इस ऑमलेट में बेसिकली खूब सारा बटर एंड क्रीम एंड चीज का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी इसको थोड़ा ठंडा कर दिया, तो थोड़ा सा सॉगी हो गया, बिकॉज आई वाज क्लिकिंग एंड आई वाज टेकिंग द वीडियो, बट इट्स वेरी गुड इन टेस्ट। या थोड़ा सा फ्लेवर इंटरफेयर कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल गुड, यू कैन ट्राई इट, डेफिनेटली आई विल गिव इट अराउंड 4 out of 5। बिरयानी जो कि मैंने आपको बताई थी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, और मैं इसे तोड़ नहीं पा रही चम्मच से। तो लेट्स ट्राई द ओरिजिनल मेथड। ओके, अब हम खाएंगे थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी चटनी, और फिर खाएंगे अपनी बिरयानी। बिरयानी मसालेदार है, मसाला इन द सेंस गरम मसाले मिल जाएंगे, आपको टेस्ट मिल जाएगा गरम मसालों का, लेकिन मिर्ची नहीं है इसमें बिल्कुल, मिर्ची का गुड है, जो लोग मिर्ची नहीं खाते उनके लिए। तो मैं इस बिरयानी को दूंगी अराउंड 4 out of 5। बिरयानी आपको यहाँ पर आके मिल जाएगी 150 रुपीज की ये प्लेट। नेक्स्ट चीज जो हम ट्राई करने वाले हैं ये बेसिकली सारे मेरे वेजिटेरियन फॉलोअर्स के लिए है। अभी हम हैं पिट्टू काठी कबाब पे, और यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेट काठी कबाब, जिसमें
एक आपको सब्जी मिलेगी चाप की, साथ में कांटी कबाब मिलेंगे और दो रुमाली रोटी मिलेगी। तो मैंने बोल दिया इनको और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी है। मुझे ये काठी कबाब्स काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगे क्योंकि मैंने इससे बेटर काठी कबाब्स पास में खा रखे हैं। सो दिस वॉज नॉट वर्थ। और फिर मैंने ट्राई करी वो चीज़ विच टुक द इंटरनेट लाइक अ स्टॉर्म, दैट इज तंदूरी चाय। ना इस चाय को बनाने के लिए बेसिकली एक कुल्हड़ को बिल्कुल गर्म किया जाता है तंदूर के अंदर एंड देन उस पर पोर की जाती है प्री मेड चाय। और इनके अकॉर्डिंग इस प्रोसीजर से जितना भी कुल्हड़ का स्मोकीनेस और अर्दीनेस होती है वो चाय में आ जाती है और उससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और एंड में डाला जाता है एक सीक्रेट मसाला जिससे चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब क्योंकि नाम तंदूरी चाय है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ तंदूरी फ्लेवर आएगा चाय के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो टेस्ट है चाय का दैट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपको कड़क चाय पसंद है और चाय के अंदर खूब सारी इलायची और अदरक पसंद है देन इन दैट केस आपको ये चाय बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। 50 रुपीज की चाय है लेकिन 150 रुपए का स्वाद है। यहाँ पे अंकल खड़े, उन्होंने ये डायलॉग बोला और मैंने सेम चेंज किया। अंकल भी दिखा दो आप। बहुत ही अच्छी चाय, वेरी गुड, यू मस्ट ट्राई दिस। आपको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो पक्का होके ये ट्राई करो। ये इतनी मोटी है लेकिन स्टिल इट्स वेरी वेरी क्रिस्पी विच इज अ सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि इतनी मोटी जलेबी क्रिस्पी भी हो इट्स वेरी रेयर। तो मुझे ये काफी पसंद आई एंड इट्स फॉर 80 रुपीज जो कि मुझे थोड़ी अफोर्डेबल भी लगी। सो इट्स अ मस्ट ट्राई फ्रॉम माई साइड। Hi guys, so it's the end of the festival from my side and I have tried so many stuff. लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें थोड़ी एवरेज थी, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे मुझे ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि दिल्ली में अब तक जितने भी फेस्टिवल लग रहे थे उसमें यही प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे जितने भी आउटलेट्स थे वो बहुत सिमिलर थे, लेकिन ये वाला जो फेस्टिवल है मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी फेस्टिवल। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कम टू दिल्ली के पकवान एट कनॉट प्लेस एट खड़क सिंह मार्ग। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमें वहाँ जरूर फॉलो करना बिकॉज वी हैव सो मेनी कॉन्टेंट ओवर देयर विच यू आर मिसिंग आउट ऑन। सो डू फॉलो Delhi_Eats ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस इज सुज्योति डिंगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज इन फ्यूचर।